गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम उमेश कुमार, फैकल्टी ऑफ श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट टॉपिक ब्लास्टिंग। स्टूडेंट, ब्लास्टिंग इज द पार्ट ऑफ construction in site of construction। स्टूडेंट, जो ब्लास्टिंग होती है वो एक कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट होता है। स्टूडेंट्स, जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है उस पर ब्लास्टिंग भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। यदि हम स्टूडेंट देखें कि अपन को कंस्ट्रक्शन है वो किसी पहाड़ी क्षेत्र पर करना है और हिली एरिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ से अपन को हिली एरिया की क्या करनी है, खुदाई करनी है, वहाँ से जो रॉक्स है उन्हें हटाना है। तो स्टूडेंट्स, जो भी ब्लास्टिंग प्रोसेस है उसके द्वारा अपन वहाँ पर उन रॉक्सों को हटा सकते हैं। सेकंड, स्टूडेंट्स, यदि अपन को कोई भी हिली एरिया को काटना है और वैली बनानी है या घाटी बनानी है तो वहाँ पर भी अपन क्या किसका यूज करते हैं, ब्लास्टिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। थर्ड, स्टूडेंट्स, जो माइनिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर भी अपन क्या करते हैं, ब्लास्टिंग प्रोसेस का ही यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ब्लास्टिंग होती है वो एक कंस्ट्रक्शन के अंदर या सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इम्पोर्टेंट रोल रखती है। तो स्टूडेंट, बात करते हैं अपन ब्लास्टिंग की। ब्लास्टिंग, द टर्म ब्लास्टिंग इज यूज्ड टू इंडिकेट द डिस्चार्जिंग ऑफ एन एक्सप्लोसिव टू लूजन द रॉक्स सो एज टू टर्न देम इनटू स्मॉल पीस ऑफ स्टोन। स्टूडेंट्स, जो ब्लास्टिंग होती है वो इंडिकेट करती है कि एक्सप्लोसिव द्वारा जो रॉक्स होती है उसे क्या कर दिया जाता है, लूज कर लिया जाता है, और जो स्टोन होते हैं उसे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पीस में क्या किया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। ब्लास्टिंग इज डन टू लूजन द रॉक फॉर इजी इन एक्सकेविशन। जो ब्लास्टिंग प्रोसेस है उसके द्वारा जो रॉक्स होती है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है और एक्सकेविशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, ईजली से हो जाती है। ब्लास्टिंग इज परफॉर्म्ड बाई डिस्चार्जिंग द एक्सप्लोसिव पेलेट्स इन द होल ड्रिल्ड फॉर द पर्पज। जो ब्लास्टिंग होती है वो डिस्चार्जिंग ऑफ एक्सप्लोसिव पेलेट्स के लिए परफॉर्म होती है। इस एक्सप्लोसिव को होल ड्रिल करके होल किया जाता है, उसकी ज़रूरत होती है। ट्रमंडियस एनर्जी प्रोड्यूस बाय ब्लास्टिंग लूजन द रॉक्स। जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है और ब्लास्टिंग के द्वारा जो वहाँ की रॉक होती है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, जो ब्लास्टिंग है वो मेनली उसका काम क्या होता है, जो भी रॉक्स होती है उन्हें क्या करना होता है, लूज करना होता है और उन्हें छोटे टुकड़ों के अंदर, स्मॉल पीस के अंदर क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है, उन्हें तोड़ना होता है। तो स्टूडेंट्स, जो मेनली यूज होता है इसका ब्लास्टिंग का, वो इसी चीज़ के अंदर होता है कि कोई भी रॉक्स हैं तो उन्हें वहाँ पर लूज करना और उन्हें तोड़ना। अब बात करते हैं स्टूडेंट एक्सप्लोसिव यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग। एक्सप्लोसिव क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सप्लोसिव जो चट्टान तोड़ने के लिए यूज में लिया जाता है वो ही क्या कहलाता है, एक्सप्लोसिव कहलाता है। तो देखते हैं वेरियस एक्सप्लोसिव यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग के अंदर वेरियस एक्सप्लोसिव क्या लिए जाते हैं, यूज में लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट हो गया इसमें
डायनामाइट, सेकंड हो गया अमोनियम नाइट्रेट, थर्ड हो गया सेलरी, फोर्थ हो गया AnFO और फिफ्थ हो गया RDX। तो स्टूडेंट्स जो फाइव टाइप्स हैं एक्सप्लोसिव के, इन्हें अपन ब्लास्टिंग के अंदर यूज में लेते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन फर्स्ट डायनामाइट की। इट इज एन एक्सप्लोसिव यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग। इस एक्सप्लोसिव का यूज ब्लास्टिंग में किया जाता है। डायनामाइट कंसिस्ट ऑफ 25% ऑफ सैंडी अर्थ सैचुरेटेड विद 75% ऑफ नाइट्रोग्लिसरिन। स्टूडेंट जो डायनामाइट होता है वो 25% तो सैंडी अर्थ सैचुरेटेड होता है और 75% नाइट्रोग्लिसरिन होता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ थिक पेस्ट एंड इट इज सोल्ड इन कैटराइज्ड। स्टूडेंट्स इसका जो पेस्ट होता है वो थिक होता है। इट इज वेरी पॉइजनस इन नेचर एंड डेवलप्स वॉयलेंट हार्ड अर्च थ्रू टच विद स्क्रीन। स्टूडेंट्स यह बहुत ही पॉइजनस होता है नेचर में और यह वॉयलेंट हार्च डेवलप करता है स्क्रीन के टच के थ्रू। डायनामाइट कैटराइज्ड इज प्लेस्ड इन द बोर होल एंड टेम्प्ड विद वुडन बार। डायनामाइट को स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो बोर होल होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, रखा जाता है, प्लेस किया जाता है और उसे अपन वुडन बार के द्वारा क्या किया जाता है, उसे टेम्प्ड किया जाता है। द चार्ज इज फायर्ड बाई ए फ्यूज और उसे फ्यूज के द्वारा क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, उसमें आग लगाई जाती है, फायर किया जाता है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन सेकंड की। सेकंड है अमोनियम नाइट्रेट। दिस टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव इज वेरली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स फॉर सरफेस एज वेल एज अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन। स्टूडेंट्स इस एक्सप्लोसिव का यूज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में वाल की सरफेस पर अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन में किया जाता है। इट इज मोर सफर देन डायनामाइट्स बिकॉज इट इज डिटोनेटेड बाई स्पेशल टाइप ऑफ प्राइमर। स्टूडेंट्स ये मोर देन डायनामाइट्स सफर डायनामाइट्स होता है क्योंकि इस पर प्राइमर डिटोनेटेड बाई स्पेशल टाइप ऑफ प्राइमर होता है। इट इज इकोनॉमिकली देन डायनामाइट्स, यह डायनामाइट से इकोनॉमिकली होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सैलरी की। दिस इज ए जेनेरिक टर्म ऑफ बोथ जेल्स एंड इमल्शंस। स्टूडेंट्स ये होती है, ये दो टाइप्स में होती है, जेल्स और इमल्शन में। ए सैलरी एक्सप्लोसिव इज मेक ऑफ अमोनियम कैल्शियम और सोडियम नाइट्रेट एंड ए फ्यूल सेंसिटाइजर अलोंग विद वेरिंग अमाउंट्स ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स जो ये सैलरी होती है वो एक्सप्लोसिव अमोनियम कैल्शियम और सोडियम नाइट्रेट्स और फ्यूल सेंसिटाइजर वाटर अमाउंट ऑफ वाटर में इसे बनाई जाती है। इस सैलरी एक्सप्लोसिव मिक्सचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग साल्ट फ्यूल्स एंड सेंसिटाइजर मेड वाटर रजिस्टेंट
by the cross linking of gums or wax is referred to as a water gel. स्टूडेंट, जो सलेरी होती है वह ऑक्सीडाइजिंग साल्ट फ्यूल्स एंड सेंसिटाइजर और वाटर रेजिस्टेंस के साथ में मिलकर इसे क्या किया जाता है, गम्स के रूप में बनाया जाता है और इसे वाटर जेल में रेफर किया जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं फोर्थ नंबर ANFO की। स्टूडेंट, जो ANFO है उसकी फुल फॉर्म होती है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। दिस एक्सप्लोसिव इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कंस्ट्रक्शन ब्लास्टिंग। इसका जो यूज होता है वो मेनली किसमें होता है, कंस्ट्रक्शन ब्लास्टिंग में होता है एंड रिप्रेजेंट्स अबाउट 80% ऑफ ऑल एक्सप्लोसिव्स यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो होता है ये 80% या 80% एक्सप्लोसिव का इसमें यूज किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में। इट इज ए मिक्सचर ऑफ 4.5 केजी अमोनियम नाइट्रेट एंड 5 लीटर नंबर 2 डीजल फ्यूल ऑयल। इसके अंदर 4.5 केजी अमोनियम नाइट्रेट और 5 लीटर नंबर 2 डीजल फ्यूल ऑयल का यूज में लिया जाता है। This is the optimum mixture. The mixture is saturated for 24 hours. जो ये मिक्सचर होता है वो 24 hours में क्या हो जाता है, saturated हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो ANFO है ये किस प्रकार से बनाया जाता है, 4.5 kg अमोनियम नाइट्रेट लिया जाता है एंड 5 लीटर नंबर ऑफ डीजल फ्यूल का क्या किया जाता है, इसके अंदर यूज किया जाता है। और स्टूडेंट देख सकते हैं इस मिक्सर को 24 आवर्स में क्या किया जाता है, सैचुरेटेड किया जाता है। द मिक्सर इज फ्री फॉलोइंग एंड कैन बी डायरेक्टली पोर्ड इनटू ड्रिल होल। और इस मिक्सर को स्टूडेंट जो ड्रिल होल होता है उसके अंदर डायरेक्टली क्या किया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है। इन केस ऑफ वेट होल्स द मिक्सर इज केप्ट इन प्लास्टिक बैग्स एंड पैलेस इन होल्स। और इस मिक्सर को प्लास्टिक बैग्स के द्वारा जो होल्स होता है उसमें प्लेस कर दिया जाता है। दिस एक्सप्लोसिव इज डिटोनेटेड बाई डायनेमाइट प्राइमर प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ होल। अब बात करते हैं स्टूडेंट RDX की। स्टूडेंट, जो RDX होता है उसकी फुल फॉर्म होती है रैपिड डिटोनेटिंग एक्सप्लोसिव। स्टूडेंट, जो अदर एक्सप्लोसिव है वो होते हैं गन पाउडर, ब्लास्टिंग जिलेटाइन और लिक्विड ऑक्सीजन। तो इसके अंदर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो RDX होता है वो इस टाइप्स का होता है। इसके अंदर स्टूडेंट्स सारे टाइप्स दिखा रखे हैं। जो RDX है वो अपन देख सकते हैं इस टाइप्स का होता है। तो स्टूडेंट इसे क्या किया जाता है, जो होल से उसके अंदर डाल दिया जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। फिर स्टूडेंट बात करते हैं अपन ANFO की। तो इसे देख सकते हैं अपन ANFO एक पाउडर के रूप में होता है जिसे अपन वाट डीजल के साथ में इसके साथ में मिक्स करके इसे डालते हैं। फिर अपन देखते हैं स्टूडेंट सलेरी की। सलेरी के बाद में अपन बात करते हैं स्टूडेंट डायनेमाइट की। स्टूडेंट, जो डायनेमाइट होता है और RDX होता है वो दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं ब्लास्ट के लिए। तो स्टूडेंट जो भी ब्लास्ट प्रोसेस होती है या अपन बोले तो जो बम्स होते हैं, जो बम्स RDX वही होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें ब्लास्ट की प्रोसेस में काम में ली जाती है। ऐसे स्टूडेंट्स क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट भी ब्लास्टिंग प्रोसेस में काम में आता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं एक्सप्लोशन प्रोसेस की। द ब्लास्ट होल इज क्लीन एंड गन पाउडर और डायनेमाइट चार्ज इज फिल्ड द बॉटम ऑफ द होल्स।
स्टूडेंट्स, जो ब्लास्ट होल है उस होल के बॉटम में गन पाउडर और डायनामाइट को क्या कर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है, उसमें भर दिया जाता है। ए प्राइमिंग नीडल ऑफ द फॉर्म ऑफ कॉपर रॉड इज केप्ट इन द सेंटर ऑफ होल्स। जो इसके सेंटर ऑफ होल है उस पर एक कॉपर की नीडल को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ग्रीस इज अप्लाइड टू द प्राइमरी नीडल सो डेट इट कैन बी ईजली पुल्ड आउट, और यह जो ईजली से क्या हो जाती है, पुल्ड आउट हो जाती है। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द होल्स इज फिल्ड विथ इनर्ट मटेरियल लाइक रॉक पाउडर और वेट क्ले नॉन एज स्टेमिंग। इसके अंदर स्प्रेंट जो होती है उसमें रॉक पाउडर और वेट क्ले को क्या कर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, स्टेमिंग बोलते हैं। द स्टेमिंग मटेरियल इज प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड बाई कॉपर रॉड, और जो स्टेमिंग मटेरियल होता है उसे कॉपर रॉड के द्वारा प्रॉपरली क्या किया जाता है, कॉम्पैक्टेड किया जाता है। तो स्टूडेंट, जो एक्सप्लोशन प्रोसेस होती है उसे देख सकते हैं अपन। जो भी ड्रिल किया हुआ होल होता है उसके अंदर गन पाउडर और डायनामाइट को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, और उस पर एक क्या लगाई जाती है, कॉपर रॉड नीडल लगाई जाती है। इसके बाद में इस होल्स के अंदर क्या किया जाता है, रॉक पाउडर और वेट के लिए भी भर दिया जाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं फिर, स्टेमिंग। और स्टेमिंग क्या होता है, स्टेमिंग मटेरियल को प्रॉपरली कॉपर रॉड द्वारा कॉम्पैक्टेड किया जाता है। तो स्टूडेंट, इस डायग्राम के अंदर अपन देख सकते हैं कि एक होल्स होता है, होल्स के अंदर यहाँ पर मटेरियल भर दिया जाता है। यह एक क्या लगाई जाती है, बीच में से फ्यूज लगाया जाता है, और इस फ्यूज को हटाने के बाद में स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पर ब्लास्टिंग प्रोसेस हो जाती है। आफ्टर टैंपिंग इज कंप्लीटेड द प्राइमिंग नीडल इज पुल्ड आउट। टैंपिंग प्रोसेस के द्वारा या टैंपिंग प्रोसेस के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में जो अपन ने जो नीडल लगाई थी उसे क्या कर लिया जाता है, पुल्ड आउट कर लिया जाता है। एंड द होल सो क्रिएटेड इज फिल्ड विद गन पाउडर और डायनामाइट। और जो होल्स बनता है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, गन पाउडर और डायनामाइट को भर देते हैं। ए फ्यूज इज केप्ट इन द होल विथ इज एंड 15 to 20 centimeter अबव द सरफेस ऑफ द रॉक। जो रॉक की सरफेस होती है उससे 15 to 20 centimeter फ्यूज को क्या किया जाता है, अबव लगाया जाता है। द आउटर एंड ऑफ फ्यूज इज डिटोनेटेड बाई मच बॉक्स और इलेक्ट्रिक स्पार्क, और उस फ्यूज पर क्या कर दिया जाता है, माचिस बॉक्स या माचिस की तिल्ली या इलेक्ट्रिक स्पार्क द्वारा उसमें क्या किया जाता है, उसे जलाया जाता है। आफ्टर ब्लास्ट द रॉक मास इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट्स। ब्लास्ट के बाद में जो रॉक्स होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप से अपन ब्लास्ट की प्रोसेस करते हैं। तो स्टूडेंट, इसके अंदर अपन देख सकते हैं, इसके अंदर अपन ने क्या भर दिया, जो पाउडर्स होता है ब्लास्टिंग पाउडर वो भर देते हैं। इसके बाद में अपन ने क्या लगा दिए, एक यहाँ पे नीडल्स लगाते हैं। नीडल्स लगाने के बाद में इसमें ऊपर से अपन क्या करते हैं, इसको अपन बोलते हैं ब्लास्ट होल। अब स्टूडेंट, इसके अंदर अपन क्या भर देते हैं, गन पाउडर भर देते हैं। इसमें कम्प्लीटली गन पाउडर आने के बाद में अपन इसमें क्या करते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे होता है ये, उन्हें ऊपर होता है सॉरी, तो ऊपर होता है। इसके बाद में इसमें अपन क्या करते हैं, माचिस या इलेक्ट्रिक द्वारा क्या ला दी जाती है इसके अंदर, इसे चार्ज कर दिया जाता है या इसमें आग लगाई जाती है। और इसमें आग लगने के बाद में जो आग होती है, फायर होती है, वो ब्लास्टिंग पाउडर तक पहुँचती है और इस रॉक्स के अंदर क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं, ये अपना है जो ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे अपने क्या किया, होल किया। होल करने के बाद में यहाँ पे जो ब्लास्टिंग मटेरियल वो भरा, ब्लास्टिंग मटेरियल भरने के बाद में
एक अपने जगह रखी जिसके अंदर अपन ने गन पाउडर भरा। गन पाउडर बाद में जो फ्यूज होता है उसमें अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक या फायर लगाते हैं। तो फायर लगाने के बाद में इसमें क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट होने के बाद में जो स्टोन होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या हो जाते हैं, डिवाइड्स हो जाते हैं। और अपनी जो ब्लास्टिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट अपन क्या करते हैं, जो ब्लास्टिंग प्रोसेस है उसे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।